हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजो। गाइस, आज मैं आ गया हूं गार्डन ऑफ बर्मन 7 के टीजर ट्रेलर पार्ट 3 के साथ। तो गाइस यार, यूफोरिक ब्रदर्स ने गार्डन ऑफ 7 का एक बड़ा ही डरावना सा टीजर ट्रेलर निकाला है। तो गाइस यार, आज हम ना उस टीजर ट्रेलर को चेकआउट करेंगे, हल्का फुल्का एनालाइज करेंगे, एंड वीडियो के एंड में जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी ना गॉडजिला एनालॉग हॉरर वाली, उस पे तुम्हारे जो कमेंट्स है, जो तुमने अपनी थ्योरीज दी है, हम ना उनको डिस्कस करेंगे। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। बाकी इसी तरह के मजेदार हॉरर कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। तो गाइस यार, ये रहा यूफोरिक ब्रदर्स का चैनल, और पिछली वाली जो ऑफिशियल सीक्रेट्स ऑफ बर्मन थी, ये मैंने देख ली थी वीडियो। अगर नहीं चेक करी तो तुम लोगों ने इसी चैनल पे चेकआउट करना। इस वीडियो में ना इन लोगों ने बनमन के सीक्रेट्स बता रखे हैं, तो अगर तुम्हें जानने बनमन के ऐसे राज जो कोई नहीं जानता, तो इस वीडियो को चेकआउट कर लेना। वरना इस चैनल पे भी मैंने ये वीडियो देख रखी है, तो वो वाली वीडियो भी देख सकते हो। बाकी आज हम देखने वाले हैं गार्डन ऑफ बनमन 7 ऑफिशियल टीजर ट्रेलर 3। भाई यार, ये क्या है? मॉन्स्टर है, बिटर की गल है क्या? पर्पल कलर का हो गया भाई, केला जो खोलते हैं ना दोनों तरफ से, केले की तरह खुल गया भाई। ओके, सो ये कहीं की फेंसिंग हो रखी है, और ये भाई जंबो जॉश गिरा हुआ है क्या? नहीं नहीं, लाइट है उधर से। बिटर की गली तो है वो, ये तो खाली बिटर गिगल का प्रीव्यू टाइप का आ गया है। नाम भी कैसा है इसका, बिटर गिगली, बिटर गुगलू। ओ भाई, कैसा सा बना दिया है, बस इतना ही है। और ये गार्डन ऑफ बनमन 7 ब्लैक एंड व्हाइट हो चुका है यार, किसी मॉन्स्टर ने आगे सारे रंग उड़ा दिए हैं। इन्हें ट्रेलर निकालना चाहिए था ना यार, गेम कब आने वाला है इनका? अब यार, हर 3-4-5 महीने में तो इनका गेम आ जाता है। सो ये लोग नहीं चाहते कि इनके अगले गेम की हाइप मिस हो जाए, इसलिए बीच बीच में ना ये लोग ऐसे टीजर निकाल निकाल के लोगों के दिमाग में हाइप सी डालते रहते हैं, और फिर उसके बाद गेम का ट्रेलर आ जाएगा, फिर गेम ही आ जाएगा। अब ना इस ट्रेलर को जरा शुरू से चेकआउट करते हैं। ओके, सो स्टार्टिंग में तो यार, ये जो एरिया दिख रहा है ना यार, ये ब्लैक एंड व्हाइट क्यों दिख रहा है? अब ये तो ठीक है कि सर डाडा डूडू ने उन मॉन्स्टर्स को अपने जैसा कर दिया, मतलब ये जो मैस्कट्स थे इनको अपने जैसा बना दिया, इनका कलर उड़ा के इनको ग्रे स्केल कर दिया, बट इस एरिया का क्या सीन है भाई? हम तो नीचे फ्लोर में आ रहे हैं ना, जहाँ सिंजेरियन होने वाला था, और उसकी सिटी तो ऐसी कलरफुल है भाई यार, रंग बिरंगी पर्पल ब्लू अलग अलग तरह के नियॉन लाइट्स लग रखी है, बढ़िया सिटी हो रखी है भाई। इस सिटी में ये एरिया कैसे आ गया? ये सारे फेंसेस का भी कलर उड़ रखा है, गार्बेज का भी, देखो कूड़े कचरे का भी कलर उड़ गया पूरा यहाँ पे से। यार देखो, शुरू में ही डस्टबिन गिरा हुआ है यहाँ पे और कूड़ा फेंका हुआ है, तो इसका मतलब ना ये बहुत ही डीप जगह होने वाली है, इतने नीचे है जगह की यहाँ सफाई फाई भी नहीं होती है, शायद से ये बताना चाह रहे होगे इसको दिखा के। और वैसे भी इस बार इन लोगों ने लिख रखा है कि गेम जो है वो बिगर, स्केरियर और बैनमैनियर होने वाला है। बैनमैन का मीनिंग क्या होता है? बट बैनमैन की मीनिंग होती है वीक पावरलेस, मतलब यार थोड़ा सा जो कमजोर है, थोड़ा सा पावरलेस है, पावर कम है उसके पास, और थोड़ा उसको समझ भी धीरे धीरे आता है, बुद्धू है क्या बनमन यार। बाकी देख रहे हो बिटर गिगल जो थोड़ा सा चौड़ा भी हो गया, देखो थोड़ा लग रहा है ना यार, पिछली बार थोड़ा पतला पतला लगता था, हट्टा कट्टा हो गया है। इसके हाथ भी हिल रहे हैं, देखो यहाँ पे इसके हाथ ना हल्के हल्के हिल रहे हैं कुछ तीन, अभी ये चल रहा है मेरे ख्याल से। तो जो सर डैडा डूडू है, वो जिस भी मैस्कट को छू रहा है या उसको इन्फेस्ट कर रहा है या उस पर अटैक कर रहा है, जो भी चीज कर रहा है ना, उसको एक मॉन्स्टर फॉर्म में ले आ रहा है। अब पता कैसे चल रहा है कि कोई मॉन्स्टर सर डैडा डूडू से पोजेस्ड है? तो उसके लिए भाई ये देख लो, वो जो मॉन्स्टर होगा उसका अपना कलर जो होगा ना वो उड़ चुका होगा, मतलब वो जो मैस्कट होगा उसका अपना कलर उड़ चुका होगा, और उसकी आईज पर्पल कलर में ग्लो कर रही होंगी, आईज और बॉडी, मतलब इसके टीथ भी ग्लो कर रहे हैं भाई, दांत कर रहे हैं ना। डैडा डूडू की तो आंखें ही नहीं है, या है अपने, नहीं तो पीछे वाले की आंखें, और इसके खुद के दांत ग्लो नहीं कर रहे, बस ये दूसरों के दांत और आईज ग्लो करने लग जा रही है, बाकी उनकी बॉडी का जो कलर है ना वो उड़ जा रहा है पूरा का पूरा। तो यार ये रहा वो बिटर गिगल। अब यार गाइस, ये जो बिटर गिगल है ना, यहाँ पे थोड़ा पतला सा नहीं लग रहा है, जबकि इधर पे ये थोड़ा सा चौड़ा टाइप का लग रहा है। तो यार ये वाला, यही वाला बिटर गिगल होने वाला है, या फिर कोई और भी बिटर गिगल एग्जिस्ट करता है जो पोजेस हो चुका है? वादियाला हाथ कितना पतला लिख रहा है, यहाँ पे कितना हाथ तो चौड़ा है इसका, लग रहा है नीचे वाले फ्लोर में ना जिम भी होगा शायद से, भाई ने जिम करके ना बॉडी बिल्कुल फुला लिया, बढ़िया सी हट्टी कट्टी बॉडी बना लिया भाई, यहाँ पे डरावने से आ गया भाई। इसके जोक सुन के हंस नहीं रहते ना तुम लोग, अब देखो अब हंसना पड़ेगा इसके जोक सुन के, वरना ही खा जाएगा अच्छा ऐसी। बट यार दांत कितने नकली से लग रहे हैं यार, यूफोरिक ब्रदर्स यार, तुम लोग थोड़ा सा बनाते हो इतना यार, कमाना है ही गेम ने, थोड़ा अच्छी मेहनत कर लिया करो ना डिजाइन वगैरह में, मतलब बढ़िया गेम अच्छा बना रहे हो, लेकिन थोड़ी सी मेहनत तो कर लो इनमें भी। और कैसे लग रहे हैं भाई, फर्जी से लग रहे हैं, क्या पता गेम के अंदर थोड़े सही से लगे, इधर पे तो ऐसा लग रहा है जैसे पर्पल कलर के कागज को काट के ना खाली फर्जी दांत बना दिए, इधर पे ऐसा लग रहा है किसी ने केला छिल दिया है भाई, ये दांत वाला केला, डरावना केला। वैसे केले वाला कोई गेम था क्या डरावना सा? हम वो भी कभी खेल सकते हैं, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट्स में बताना, ऐसे कोई बनाने वाला हॉरर टाइप का गेम, क्योंकि मुझे दिमाग में हल्का सा क्लिक हुआ कि ऐसा भी कोई हॉरर गेम था। बाकी मैं यार एक और चीज सोच रहा था कि अगर यहाँ पे ना गार्बेज के पैकेट पड़े हुए हैं, देखो गार्बेज पकड़ा हुआ है, मतलब कूड़ा फेंका हुआ है, तो कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला है हमें कूड़ा फेंक के इससे बचना है? ऐसा मिशन भी हो सकता है कोई की क्या पता हमने ऐसे कूड़ा इसके ऊपर फेंकना हो और फिर इससे बचना हो, तुम्हें क्या लग रहा होगा ऐसा कोई मिशन? बाकी गाइस यार, ये जो इन्होंने कम्युनिटी पोस्ट निकाली थी ना, इसमें भी शायद से ना ये
थिएटर की गली है, वही तो दिख रहा है उसका एक हाथ जो सांप जैसा दिखता है, हाँ ये वाला तो हाथ और ये दूसरा वाला हाथ है, तो उसका मतलब भी बिटर गीगल ना हमारे पीछे पड़ने वाला है और हमें ना इससे बच के भागना पड़ेगा, फिर शायद से हम उसको सही भी करेंगे। तो गाइस यार जो इसका थंबनेल है ना, इसमें भी ना इसकी वेन्स दिख रही है, देखो ये पर्पल कलर की ना यार, ये जाइवेनियम तो ग्रीन कलर का था ना, तो ये सर डैडा डूडू के पास कौन सा लिक्विड है भाई ऐसा पर्पल वाला, या फिर वो इनको जिस चीज से इन्फेक्ट कर रहा है वो क्या चीज है पर्पल कलर की, वो सेप्टर से हो रहा है यार, वो जादू की छड़ी होती उससे भी हो रहा हो सकता है। बाकी यार इस कलरफुल सिटी का सीन तो मुझे ये लग रहा है कि ना जो नीचे वाला फ्लोर है उस पे सिरिंजन जो है वो इधर ना बढ़िया से अपनी नियॉन वाली सिटी बना के रह रहा है, बट ये जो सर डैडा डूडू है ना ये नीचे आएगा और धीरे धीरे मैस्कट्स का कलर उड़ा देगा, उनको अपने जैसा मॉन्स्टर बना देगा, ऐसा मॉन्स्टर बना देगा और सिरिंजन की जो सिरिंजन करके सिटी है ना इस सिटी पे ना वो कब्जा कर जाएगा। रही बात इस पेरेंट के बच्चे की, जो पप्पी बॉस जिसको हम बोल रहे थे और जो अपने बच्चे को ढूंढने आया था आई थी जो भी था, उसके बारे में तो पता नहीं क्या हो रहा है भाई, यहाँ तो अलग मॉन्स्टर्स की स्टोरी चल रही है, किंडरगार्टन के बच्चों वाली स्टोरी का तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। अब गाइस यार सर डैडा डूडू का जो एवोल्यूशन करते रहना है चीजों का, उसको देख के मैं एक और चीज सोच रहा था कि ये जो बैन बैन है ये मर गया है क्या यार, या फिर इसके ऊपर भी एवोल्यूशन टाइप का कुछ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है इस बार ना सिरिंजन और सर डैडा डूडू की लड़ाई होने वाली है। अब जो सिरिंजन है वो तो इस ग्रीन वाले को जो जाइवेनियम जैसा लिक्विड दिखता है ना इसको यूज करता है, बट जो सर डैडा डूडू है वो पर्पल वाला है, तो सर डैडा डूडू कुछ मैस्कट्स को कन्वर्ट करके अपनी साइड के मॉन्स्टर्स बना रहा है और ये शायद से मर गया होगा, बट सिरिंजन जो है इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इसे जाइवेनियम पिला रहा है, जाइवेनियम से इसकी बॉडी को इवॉल्व करवा रहा है, ये सर डैडा डूडू की साइड वाला तो नहीं है, वरना इसके जो कलर होते ना गाइस वो उड़ते और पर्पल कलर दिखता हमें कहीं पे, यहाँ पे कलर ना ग्रे स्केल टाइप का हो जाता, मतलब ग्रे ग्रे टाइप का हो जाता, ऐसा होता है ये ग्रीन कलर का। तुम्हें क्या लगता है यार ये इस किस बनबन के साथ क्या हुआ इस वाले ट्रेलर में, ये सर डैडा डूडू की टीम में जाने वाला है या फिर ये कुछ दूसरी टीम बनने वाली है सिरिंजन वाली, और इस बार विलन कौन कौन होने वाले हैं, सर डैडा डूडू तो होगा ही शायद से क्योंकि वही तो बना रहे हैं ऐसे मॉन्स्टर्स को, और बिटर गीगल ने दिखाई दिया इस बार भाई केले की तरह छिलके आ गया बढ़िया से यहाँ पे, बनबन जिसकी ऐसी हालत हो रही है अब ये विलन बनेगा या फिर हमारी साइड से लड़ेगा गाइस यार ये भी चोर नहीं है। इसके अलावा बच गया ये घंटी बजाने वाला सिंजेरियन, तो यार ये विलन होने वाला हमारी साइड होने वाला है, पता नहीं गाइस यार तुम लोगों को क्या लगता है, अपनी जो थ्योरीज है ना वो जरा कमेंट्स में बताओ, जरा देखे तो तुम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पता है क्या इस गेम के बारे में जो मुझे अभी तक नहीं पता। बाकी यार मैं एक और चीज गौर कर रहा था, ये जो एलियंस है ना ये थोड़े से ऐसे नहीं दिखते जैसे जो गार्डन ऑफ बनबन 5 का जो इन लोगों ने पेज बना रखा है जो गेम अभी तक नहीं आ रखा है, इसके इस वाले एलियन जैसे नहीं दिखते, ये ज़ोल्फियस कहां लग रहा है भाई, और ज़ोल्फियस कहां चला गया, इन्हें ज़ोल्फियस का कॉन्सेप्ट ही गायब कर दिया क्या, इस गार्डन ऑफ बनबन 6 में हमें ज़ोल्फियस जैसा कुछ नहीं मिला ना यार। तो गाइस यार ये था गार्डन ऑफ बनबन 7 का ऑफिशियल टीजर ट्रेलर पार्ट 3, सो अब इंतजार करते हैं इसके ऑफिशियल ट्रेलर के आने की, फिर उसके बाद ना उस ट्रेलर को भी चेकआउट करेंगे और जरा फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि अगले पार्ट में आगे क्या होने वाला है। बाकी यार अब करते हैं ऐसा कि हम चेकआउट करेंगे जो परसों मैंने गॉडज़िला एनालॉग हॉरर वाली वीडियो बनाई थी उसके कमेंट सेक्शन को चेकआउट करते हैं और वहां देखते हैं कि तुम लोगों ने अपनी थ्योरीज कैसी कैसी बता रखी है। तो गाइस यार ये है वो द मैन इन द सूट वाली वीडियो जो गॉडज़िला की एक मस्त सी एनालॉग हॉरर है, तो अगर तुमने ये चेकआउट नहीं करी है तो उसको चेकआउट कर लेना। बाकी अभी ना मैं इसका कमेंट सेक्शन चेकआउट करता हूँ और देखता हूँ कि तुम लोगों ने अपनी कौन सी थ्योरीज दे रखी हैं इसके कमेंट सेक्शन में। रही बात इसकी स्टोरी शॉर्ट में, तो वो ना मैं प्लेनेट यूजर रहस्य में बहुत ही जल्दी बना दूंगा, सो वो चैनल तुम चेकआउट करते रहना। अब अगर तुम लोगों ने ये वीडियो देखी है तो तुम्हें पता ही होगा कि ये उस बंदे की कहानी है जो बंदा गॉडज़िला का सूट पहन के गॉडज़िला की एक्टिंग करता है, ये ना उसकी स्टोरी है कि कैसे वो गॉडज़िला के सूट के साथ ही मर्ज हो जाता है और फिर उसके साथ क्या क्या होता है वो तुम्हें इस वीडियो में पता चलेगा। बट गाइज यार अगर तुम लोगों ने द मैन इन द सूट वाली वीडियो नहीं देखी है, चाहे मेरी या फिर ओरिजिनल वाली कोई भी नहीं देखी है, तो इस वीडियो को ना आगे को मत देखो, खाली कमेंट्स में पढ़ूंगा और तुम लोगों को ना स्पॉइलर मिल जाएंगे। माय थ्योरी, आई थिंक गोजी वांट्स टू मेक अ आर्मी ऑफ बीस्ट एंड आई थिंक गोजी थॉट दैट इफ ही गेट्स रेडिएशन ही विल गेट द पावर टू मेक एन आर्मी एंड टू गेट गॉडज़िला पावर, टेक माय थ्योरी प्लीज। ओके, सो ये भाई कह रहे कि जो गोजी है यानी वो जो सूट है, सूट पहना वो आदमी जो गोजी बन चुका है, वो जो है ना बीस्ट की एक आर्मी बनाना चाहता है और गोजी को लगा हुआ कि रेडिएशन से उसे पावर मिल जाएगी और वो आराम से उस आर्मी को बना सकता है। हां गाइस, जरा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो वो बंदा है जो गॉडज़िला का सूट पहनता था, तो उसने ही ना अपने ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट वगैरह करवाया जिससे ना उसके अंदर रेडिएशन का कुछ आ गया और फिर जैसे उसने सूट को पहना तो उस सूट के साथ वो मर्ज हो गया। बट यार मेरे को ना गाइस ये चीज का डाउट हो रहा है कि जो पावर है ना असली वो गोजी नाम के उस बंदे में थी, वो रेडिएशन वाली प्रॉब्लम या फिर जो रेडिएशन से चीज हुई है, या फिर वो सूट में था, मतलब सूट की वजह से वो बंदा उसके साथ मर्ज हो गया, उस बंदे की वजह से वो सूट के साथ मर्ज हो गया। आर्मी बना रहे हो सकते हैं गाइस यार, इन लोगों ने हिरोशिमा नागासाकी का बदला लेना था तो क्या पता इसलिए वो आर्मी बनाने की सोच रहा हो। वैसे ये द मैन इन द सूट वाली स्टोरी अभी पूरी नहीं हुई है गाइस,
इसके और भी फ्यूचर में एपिसोड्स आने वाले हैं, तो वो भी मैं इस चैनल पे कवर करता रहूंगा, उनके लिए भी तैयार रहना तुम लोग। आई थिंक द कॉस्ट्यूम गेट्स वेरी हाई टेम्परेचर सो दैट ही मेल्ट्स इन द कॉस्ट्यूम एंड ही वेयर्स द कॉस्ट्यूम ऑल डे, सो हिज बॉडी चेंज इनटू गॉडज़िला। ओके, सो ये लिखा हुआ है कि जो गॉडज़िला की कॉस्ट्यूम थी ना, वो इतनी गर्म हो जाती थी कि उसके अंदर का आदमी ना उसमें गल गया और वो गॉडज़िला बन गया। बट यार अगर गर्म हो जाती ना, वो गलता नहीं यार, इतनी भी गर्म नहीं होती यार, वो जल जाता, उसको अंदर स्ट्रोक आ जाता, उसको हार्ट अटैक आ जाता, वो मर जाता। बट यार ऐसे ना सिर्फ गर्मी की वजह से गलना तो मुझे नहीं लग रहा कि हो पाएगा, रेडिएशन का इफेक्ट है इसमें। वो जैसी वो नहीं कह रही थी, वो जो टीचर थी, जो उस बंदे की इन्वेस्टिगेशन करने वाले बंदे की टीचर दोस्त थी, तो वो बता रही थी कि रेडिएशन का कमाल है इसमें, हीटिंग का नहीं उतना ज्यादा, इसमें रेडिएशन का ज्यादा कमाल है। बिकॉज व्हेन दे वेयर द सूट एवरी डे सो देयर स्किन बिकम शेप अकॉर्डिंग टू देयर सूट। जब वो लोग सूट रोज पहनते थे तो उसके हिसाब से उनकी जो बॉडी थी ना, वो सूट के अकॉर्डिंग ना शेप शिफ्ट हो गई। यार शेप शिफ्ट तो हो गई ना यार, मतलब उस शेप में चले गई, बट कैसे, वही तो सवाल है कि रेडिएशन से हुई है वो बात, सही है गलत है। आई थिंक इन द नेक्स्ट एपिसोड द न्यू मूवी विलन इज द स्पाई बिकॉज इन द लास्ट ही डिसाइडेड टू इंटरवीन द इंसिडेंट्स। हाँ भाई, लास्ट में तो वो डिसाइड करता है कि यार वो ये चीज को दोबारा नहीं होने देगा और वहां रोकने के लिए जाता है। तो यार देखो क्या होता है अगले पार्ट में, वो रोक पाएगा या नहीं रोक पाएगा, क्या लगता है तुम लोगों को? मुझे तो नहीं लगता यार, उतनी गवर्नमेंट लगी हुई है, वो प्रोडक्शन वाले भी है उसके पीछे, उस सिंगल बंदे की बस की कहां हो पाएगी यार रोकना, या रोक भी सकता है? चलो वो तो फ्यूचर के एपिसोड्स में पता चलेगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, खाली वीडियो मिस हो जाएंगी तुम्हारी। भाई सीरीज कब कंप्लीट करोगे? कौन सी सीरीज कंप्लीट करनी है ब्रो? बहुत सारी सीरीज है, मैंने आधे में छोड़ रखी है, धीरे धीरे करके मैं सब कुछ कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, चिंता मत करो, चैनल पे जुड़े रहो, सब कुछ आएगा भाई, धीरे धीरे करके सब कुछ आएगा बढ़िया से। इट हैपेंड बाय द हीट इन द सूट एंड इट मेल्टेड हिज फ्लैश एंड इट मर्ज्ड विद द सूट। यार सिर्फ हीट से नहीं हुआ है गाइस, यार मैं फिर से बोल चुका हूं दो तीन बार, सिर्फ हीट से तो नहीं हुआ है, रेडिएशन है इसमें या फिर उसके अलावा कोई और चीज भी हो सकती है। ब्रो आई थिंक ये स्प्रिंग लॉक फेलियर के कारण हो गया। यार स्प्रिंग लॉक फेलियर तो फिनाफ वाली सीरीज में था, मुझे नहीं लगता कि गॉडज़िला का सूट जो था उसमें स्प्रिंग लॉक वाला फेलियर होगा। वो स्प्रिंग लॉक सूट नहीं था यार, वो पता रबर का सूट भी नहीं था। मैं परसों देख रहा था ना कि जब गॉडज़िला की मूवीज को बनाया जा रहा था 1954 या 55 के टाइम पे, अब उसी टाइम पे ना वर्ल्ड वॉर हुआ था, सो ना उस टाइम पे ना रबर की कमी चल रही थी। सो जो गॉडज़िला की कॉस्ट्यूम है ना, उसको पता किस चीज से बनाया गया है? बैम्बू से बनाया गया है, कॉन्क्रीट से बनाया गया है, और एक तीसरा कोई केमिकल टाइप का था, तो उन चीजों से बनाया गया है, तभी तो वो इतना भारी होता था सूट वो, कि बंदा उसको पहन के स्विमिंग पूल में भी डूब जा रहा है। सही बात है, गलत किया जापानी सरकार ने और भुगतना पड़ा जापानी को। कहीं सर पहले बता दूं कि ये फिक्शनल स्टोरी है, जापानी सरकार ने सही में ऐसे मॉन्स्टर्स नहीं बना रखा कोई जो दुनिया पे ऐसे अटैक अटैक करेगा। खाली तुम जापान को अनशेंट बोलोगे और मुझे कभी जापान जाना होगा तो मुझे घुसने नहीं देंगे वो अपने देश में। अननोइंगली वन फुटेज आई वॉज किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडज़िला, दैट फुटेज गॉट डिलीटेड। ओके तो गाइस एक और चीज है, ये जो अननोइंगली करके बंदा है, इसने ना एक और वीडियो निकाली थी, बट शायद से कॉपीराइट रीजंस की वजह से ना वो हट गई थी, वो उसमें शायद ये गॉडज़िला और कॉन्ग की लड़ाई थी। तो वो वीडियो अगर मेरे को कहीं मिलेगी तो मैं उसे देखूंगा, अदरवाइज उसकी जो कंसाइज स्टोरी होगी ना वो मैं प्लैनेट यूजर रहस्य वाली वीडियो जो इस पे बनाने वाला हूं मैं टॉपिक पे, मैं उस पे कवर कर दूंगा। वन ऑफ द मैन डाइड विद रेडिएशन एंड ही हैड ऑल्सो अ पेनफुल डेथ विच इज ऑल्सो नोन एज द मोस्ट पेनफुल डेथ। हाँ गाइस यार, अगर किसी के ऊपर हार्मफुल रेडिएशन आ जाता है ना तो बहुत ही बुरी डेथ होती है, तो हार्मफुल रेडिएशन से बच के रहना चाहिए। माय थ्योरी, द गवर्नमेंट वांटेड टू स्टडी गोजी एंड हाउ द रेडिएशन टर्न्स हिम इनटू अ बीस्ट एंड वांट टू डू रिसर्च एंड फाइंड सम सॉर्ट ऑफ टेक्निक टू मेक हिज गोजी एबिलिटीज एज अ वेपन टू बी पावरफुल, बिकॉज एज वी नो द इंसिडेंट हैपेंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू एंड जापान सफर्ड अ लॉट, सो दिस गवर्नमेंट वॉन्ट्स टू स्टडी एंड यूज द रेडिएशन एबिलिटी टू टर्न ह्यूमंस और सब्जेक्ट्स इनटू कंट्रोल्ड मॉन्स्टर्स टू हैव अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर। हाँ गाइज, तो भाई ने बहुत सही चीज लग रखी है, मुझे भी यही लग रहा है कि उस फिक्शनल स्टोरी में जो गवर्नमेंट है वो रेडिएशन को और स्टडी करने की कोशिश कर रही है, ताकि वो इस तरह के मॉन्स्टर्स बना पाए जिन्हें वो अपनी मिलिट्री में यूज करे और फिर एनिमी कंट्रीज के ऊपर ना उनसे अटैक करे। सो ये हो सकता है, दैट्स व्हाई जो गवर्नमेंट ऑफिशियल था ना, वो ना उस गॉडज़िला को तोह प्रोडक्शन वालों के ही रख रहा था, और बीच बीच में ये लोग आके ना टेस्ट्स करवाने में लगे हुए थे। बट इस पे एक और ने रिप्लाई कर रखा है भाई ने कि बट जापान वॉज कंट्रोल्ड बाय द यूएस फॉर 20 ईयर्स, सो आई डोंट थिंक दे वुड अलाउ देम लाइक That don't forget, Japan was one of the most hated countries that time. हाँ, Japan पहले से बहुत hated country रहा है guys. अगर तुम Japan की history पढ़ोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा क्यों. But मैं एक चीज कह रहा हूँ ना guys, ये जो story है ना, ये एक fictional story है. तो जरूरी नहीं है कि जो इधर हो रहा है वो reality में हुआ होना चाहिए. ये शायद से किसी दूसरे universe की story है जहाँ पे इस तरह की situations हो गई थी. सुपर भाई ने जो theory लिखी है ना guys, वो सही हो सकती है. Bro, the Shin Godzilla apocalypse scenario video is more scarier than these. By the way, these are also good analog horrors. यार कौन सी है यार Shin Godzilla apocalypse scenario वाली video? ओके, सो ये है शिन गॉडज़िला एपोकलिप्स सिनेरियो वाली एनिमेटेड वीडियो, तो गाइस यार इसको ना नेक्स्ट टाइम चेकआउट करेंगे। तो गाइस यार ये थी वो दो चार पांच छह थ्योरीज जो गॉडज़िला वाली एनालॉग हॉरर के ऊपर तुम लोगों ने लिखी, द मैन इन द सूट वाले के ऊपर। बाकी गाइस यार अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे कमेंट्स पढूं, तो जो वीडियो मैं बनाता हूं ना उससे रिलेटेड थोड़ी थ्योरीज या फिर उससे रिलेटेड चीजों के ऊपर ना तुम कमेंट्स लिखा करो, और थोड़ी सी साफ साफ लैंग्वेज में लिखा करो यार, एक बार कमेंट लिख के ना खुद भी पढ़ लिया करो अगर पढ़ा जा रहा है नहीं। बाकी गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही, होप यू एंजॉयड, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।